तो यार आम में से लगभग सभी लोग या फिर कह सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि यार पबजी खेलते होंगे। अब यार पबजी खेलना एक बात है, लेकिन यार जब आप लोग पबजी अच्छा खेलने लगते हो तो यार आप लोग मन में एक बात आती है कि यार क्यों ना मैं भी एक यूट्यूब पे चैनल बनाऊं और उस यूट्यूब पे यार चैनल बना के वहां पे यार कुछ ऐसा अच्छा कॉन्टेंट दूं जो कि लोगों को पसंद आए और वहां से यार मैं कुछ अर्निंग कर सकूं। तो यार बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और उनके यार सोचना एक प्रकार से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर आप लोग पबजी खेलते हो तो यार उसका कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। तो यार वो तो बात ठीक है कि आप लोग फायदा मिलना चाहिए, तो यार लेकिन यार जब हम लोगों को रुपए कमाने की बात आती है तो उससे पहले हम लोगों को यूट्यूब पे काम करना होता है और कुछ अच्छा कंटेंट देना होता है। अब यार जब कुछ अच्छा कंटेंट देना होता है तो यार उस अच्छे कंटेंट के लिए हम लोगों को अच्छी वीडियोस भी क्रिएट करनी होती है। अब यार वीडियो एडिटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप लोग जितना सीखोगे उतना आप लोग परफेक्शन लेते जाओगे। अब यार परफेक्शन लेने से पहले आप लोगों को यहाँ पे बात आती है कि जो जितने सारे बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास तो पीसी या लैपटॉप होता है तो यार वो लोग उससे एडिटिंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यार जिनके पास सिर्फ एक मोबाइल है और उतनी अच्छी क्वालिटी की मोबाइल नहीं है, तो यार वो लोग कैसे यार वीडियो एडिटिंग करेंगे। और एंड्रॉयड में यार वीडियो एडिटिंग करना कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग प्रकार की बात हो जाती है, उसमें उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं हो पाती है। तो यार इसी के चलते यार मैं ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं लोगों को एक कमाल की वीडियो एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि यार ये ऐप जो काइन मास्टर नहीं है, क्योंकि यार काइन मास्टर बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे से यूज नहीं कर पाते होंगे जो बिगिनर है, तो यार मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ जो बिगिनर है वो लोग भी इस ऐप को यूज कर पाएँ और वो लोग एक ऐसा कॉन्टेंट दे पाएँ जिसमें कि वीडियो एडिटिंग करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो, आप लोग किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप लोग बिल्कुल नए से भी नए हो फिर भी आप लोग अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप लोग उस सारे को सही से समझ में आ जाएगा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं इस ऐप के द्वारा और किसी प्रकार की आप लोग परेशानी नहीं होगी। ये ऐप यार बिल्कुल इजी टू यूज़ है। काइन मास्टर में हालांकि थोड़ा आप लोग प्रॉब्लम आ जाती है, यार मैं आगे चल के सोचूंगा कि आप लोग काइन मास्टर सिखा दूँ। उससे पहले यार आज की इस वीडियो में बात करते हैं इस ऐप के बारे में जो कि एक कमाल का ऐप है और ये वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, और मैं भी अपने जो गेमिंग वीडियो डालता हूँ वो भी इसी ऐप के द्वारा डालता हूँ। अब यहाँ पे यार बात करते हैं जब वो हम लोग क्वालिटी पे बात आती है तो यहाँ पे क्वालिटी आप लोगों को इस ऐप के द्वारा बिल्कुल कमाल की मिलती है। इसमें आप लोग को कमाल के फिल्टर मिलते हैं अगर आप लोग मोन्टाज बनाना चाहते हो पबजी की, या फिर आप लोग गेम प्ले वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आप लोग किसी प्रकार के लैग फ्री हर प्रकार का आप लोगों को चलेगा और आप लोगों को एक कमाल का स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। अब यार इस स्मूथ एक्सपीरियंस कौन कौन सा ऐप है जो कि आप लोगों को इस प्रकार के कमाल एक्सपीरियंस दे सकता है, आप लोगों को वाटर मार्क भी नहीं मिलने वाला है। हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बाकी इसका यार वाटर मार्क आता है जो कि कभी कभी वीडियो में आप लोग शो करेगा, परमानेंट शो नहीं करेगा, तो ये इसका कमाल फीचर है। और अगर आप लोग अदर ऐप्स के बारे में बात करते हो तो उनमें यार एक परमानेंट वाटर मार्क मिलता है जो कि हमारे वीडियो को एक भद्दा इफेक्ट देता है, तो यार उस प्रकार भद्दा इफेक्ट नहीं मिलेंगे और आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो एडिटिंग मिलेगी। और जब आप लोग इसको वीडियो एक्सपोर्ट करोगे वीडियो एडिट करने के बाद तो आप लोगों की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, आप लोगों को सेम क्वालिटी मिलने वाली जो आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग में मिली थी। तो यार इस तरह के यार आप लोग इसको यूज कर सकते हो, और कैसे यूज करना है, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कौन सा ऐप है, सारा कुछ चलो यार आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। तो यार मेरा नाम है लोबीर और आपका स्वागत है लोबीर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो चलो यार आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और अब आप लोगों को सिंपल से बताता हूँ कि कौन सा ऐसा ऐप है जिससे आप लोग वीडियो एडिटिंग करनी है और वो बेस्ट वीडियो एडिटर है। तो यार इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग सिंपल से चलना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। जैसे यार मैं प्ले स्टोर पे आता हूँ यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे मैं सर्च कर दूँगा मोशन निंजा, जैसे मोशन निंजा सर्च करता हूँ यहाँ पे वीडियो एडिटर हम लोग देखने को मिलता है यहाँ पे। हालांकि मेरे अपडेट को ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप लोग भी सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे छोटा सा एमबी 22 MB का छोटा सा ऐप है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो इसको ओपन करते हैं सिंपल। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे कुछ आप लोग पहला इंटरफेस जो है ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे कुछ जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यार इन प्रोजेक्ट्स को छोड़ते हैं और यहाँ पे सिंपल सा एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यार कुछ जो मेरे वीडियो पड़े हैं मेरे मोबाइल पे वो मुझे शो करने लगे हैं। अब जैसे यार मैं कोई भी वीडियो चूज़ कर लेता हूँ, हालांकि जैसे मैं अगर कोई भी वीडियो चूज़ करूँ तो जैसे मैं आप लोग बड़ा वीडियो लेकर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए और आप लोग ये ना कहो कि एक खराब वीडियो एडिटर है। तो यहाँ पे सिंपल जैसे बड़े वीडियो जो हमारा सबसे बड़ा वीडियो है ये 11 मिनट का है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ये मेरे गेम प्ले वीडियो जो कि मैंने खेला था उसी को मैंने रिकॉर्ड किया होता है इस अपने मोबाइल से,
तो यार देखो, अब यहाँ पे मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये प्ले होने लगता है हमारा जो वीडियो है। तो यहाँ पे यार अब हमारे सारे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। अब यार इन फंक्शन को यूज कैसे करते हैं आप लोगों को मन में बात आएगी, क्योंकि यार आप नए हो तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यार मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ यार सारी चीज़ें। आप लोग वीडियो को बस लास्ट तक देखना, आप लोग सारा कुछ जैसे वीडियो को यूज करना है आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा पहला फंक्शन दिए गए, यहाँ पे क्लिप का दिए गए, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ जो हमारी वीडियो क्लिप है वो सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पहले हालांकि इसको आप लोग सिलेक्ट करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हो तो भी आप लोग ये वीडियो जो क्लिप है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा फंक्शन मिलता है मिक्सर का, जैसे यार मिक्सर का फंक्शन मिलता है ऐसे आप लोग कुछ भी करके वीडियो ऐड कर सकते हो अगर आप लोग वीडियो दूसरे ऐड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा हमारा फंक्शन है वो टेक्स्ट का है, जो कि एक कमाल का फंक्शन है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं फॉन्ट्स हैं वो देखने मिल जाते हैं। सिंपल जैसे मैं आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ, सिंपल टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल लिख के आ गया टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद की टैप टू ऐड टेक्स्ट। जैसे जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब द चैनल लिखने के बाद जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे मुझे फॉन्ट्स दिखाने लगते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ स्पेशल फॉन्ट्स के बारे में आप लोग दिखा दूँ तो कमाल कमाल के इसमें फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप लोग मोन्टाज बना रहे हो तो आप लोग इस प्रकार के जो फॉन्ट्स हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और आप लोगों को जो सब आसानी है काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। सिंपल मैं अगर इसको बड़ा कर दूँ, यहाँ पे हमारा ये बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे इसके बाद बात आती है जो लेकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है वो ऐड हो गया है। अगर हम लोग इस टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड करना है तो इस टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे, सिंपल से इस पर दो बार टैप करेंगे तो यहाँ पे जो इसको ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे एक कंटेंट का दिख रहा है, कंटेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जो आप लोग चेंज करना है वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कलर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं टेक्स्ट का अगर वाइट रहने देता हूँ और शैडोज को दे देता हूँ रेड, शैडोज रेड देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो काफी कमाल का लग रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। अब यार यहाँ पे कुछ और भी फंक्शन आते हैं, जैसे टेक्स्ट फॉन्ट आप लोग चेंज करना चाहते हो मैंने सुनू बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन आता है, आप लोग ब्लेंड कर सकते हो इसको स्क्रीन के हिसाब से, तो मैं इसको नन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बार दोबारा स्टेप करके यहाँ पे एक बार एनिमेशन कैसे ऐड करना है ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल से आप लोग एनिमेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे इन पे एनिमेशन दे देना है, जैसे कि मैं ये वाला एनिमेशन देता हूँ, आउट पे एनिमेशन देता हूँ कि यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको नीचे भेज दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लूप देना चाहूँ तो लूप मैं दे दूंगा कुछ इस प्रकार की, जो कि एक देखने में कमाल लगेगा। तो यहाँ पे आप प्ले करके दिखाते हैं टेक्स्ट कैसा हमारा बना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक कमाल का जो हमारा टेक्स्ट है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जब आप लोग टेक्स्ट ऐड करना सीख जाते हो तो यहाँ पे एक कमाल का फंक्शन ये भी मिलता है कि यहाँ से आप लोग डायरेक्ट स्टिकर आप लोग ऐड कर सकते हो इस वीडियो पे। तो यहाँ पे वीडियो में काफ़ी सारे जो हमें स्टिकर दे देता है, और इनमें से कुछ स्टिकर कुछ इस प्रकार हैं जो आप लोग देखने मिल रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे आप लोग बहुत सारे और भी स्टिकर देखने मिलते हैं जो कि आप लोगों को कमाल के लगेंगे। यार इनको यूज करने के लिए आप सिंपल से इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना, और जो जो आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आती है, और आप लोग सिंपल से इसको आसानी से यूज कर सकते हो। बहुत सारे मिल जाते हैं, लेंस ब्लर और सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे मैं इसको डाउनलोड करने का इसको यूज करूँ तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ और ये कमाल को देखने में लगेगा। और ये यार मोन्टाज बनाने में जब आप लोग मोन्टाज बनाते हो पबजी की तो वहाँ पे एक अलग ही इफेक्ट आप लोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्ले करके देखते हैं तो यहाँ एक देखने को मिल गया है कमाल का जो कि लग रहा है। अब यहाँ पे आ रहे जो स्टिकर हैं आप लोगों को शायद ना पता हूँ, ये जो स्टिकर हैं जो हमारे मूवमेंट भी देते हैं, और ये कैसे मूवमेंट करते हैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर ये वाला स्टिकर जो मैं इसको ऐड कर दूँ और जैसे मैं इसको प्ले करूँ, अब आप लोग देखना है इसकी क्या ही खासियत है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये स्टिकर ये मूवमेंट देता है, मतलब कि जो ये करता है वो पूरा शो करता है एनिमेशन के साथ, तो यार कमाल के देखने में लगता है। अब यार इस फंक्शन की बात जो बात आती है अगले फंक्शन के बारे में, तो वो हमारा ऑडियो है। जैसे हम लोग ऑडियो बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ जो वीडियो एडिटर की तरफ से जो मिल जाते हैं म्यूजिक वो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यार इनको यूज करने के बाद अगर आप लोग यहाँ से यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। अब यार अगर आप लोग यहाँ से कुछ अपना म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, जैसे मोन्टाज होता है, तो आप लोग उनमें कैसे ऐड करोगे, सिंपल से आप लोग यहाँ पे नीचे जो म्यूजिक साउंड फेवरेट दिख रहा है यहाँ पे लोकल पे क्लिक कर देना है, और जो आप लोगों के जो मोबाइल पे साउंड पड़े हुए वो आप लोग देखने मिल जाएगा। हालांकि मेरे पास कोई भी अभी गाना नहीं है तो मैं इसको ऐड करना नहीं चाहूँगा, मैं सिंपल से कैंसिल कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे इन चार फंक्शन की बात आती है यार एक कमाल के फंक्शन बारे में, जो कि है वॉइस ओवर, जो कि बहुत सारे ऐप्स हैं उनमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। अब यार वॉइस ओवर एक ऐसी चीज़ है जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले जो कि गेमर्स हैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब ये वॉइस ओवर कैसे करना है, सिंपल वॉइस ओवर क्लिक करना है, और जहाँ से आप लोग वॉइस ओवर स्टार्ट करना हो वहाँ पे क्लिक टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करना है, और उसके बाद स्टार्ट कर देना है रिकॉर्डिंग, और फिर आप लोगों को यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक बार आप लोगों को करके दिखाता हूँ, यहाँ पे टाइमर जो है स्टार्ट हो गया है।
सिंपल से यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो इसकी साउंड आप लोग बढ़ा सकते हो, इसका जो फेड दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। सिंपल से एक बार मैं आप लोग को सुना दिखा देता हूँ। यार हाँ तो हेलो दोस्तों, हम लोग आपको स्वागत चैनल पे कर देना। आप लोग देख सकते हो जो इसकी वीडियो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो एक कमाल का वॉइस ओवर है, और इससे आप लोग इसके साउंड घटा बढ़ा सकते हो, फेड दे सकते हो इसमें। तो यार ये जो फंक्शन है एक कमाल का फंक्शन है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाओगा इस वीडियो एडिटर में। हालांकि ये हर एक वीडियो एडिटर में नहीं देखने को मिलता है, और इस कमाल की वीडियो एडिटर में देखने को मिला है। तो यार इसके लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब यहाँ पर जो अगला हमारा फंक्शन आता है वो हमारा फिल्टर की बात आती है। तो यहाँ पर फिल्टर बहुत सारे मिलते हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल के आप लोगों को वीडियो एडिटिंग में टच देते हैं। और जैसे मैं अगर इस फिल्टर को यूज करूँ और आप लोग अब दिखाऊँ इस पर, अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक फिल कर दूं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कमाल का फिल्टर। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो कलर है गेम प्ले में वो क्या ही अलग प्रकार कलर हो चुका है। अब यहाँ से कमाल के आप लोग ब्लू, और जो जैसे कि सोलो रस वीडियो में एडिट करते हैं, ये हमारा सोलो रस वाला जो फिल्टर है यहाँ पे आप लोग देखने को मिला होगा। तो यार ये जो फिल्टर है एक कमाल का इफेक्ट देता है हमारे जो वीडियो है। यार ये वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं, जो कि इस वीडियो एडिटर के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर बात आती है अगले हमारे जो फंक्शन बारे में, वो हमारा इफेक्ट का आता है। यहाँ पर इफेक्ट यार आप लोग को क्या ही कमाल के देखने मिलते हैं। हालाँकि यार आप लोग फिल्टर अपने हिसाब से और भी चेक कर सकते हो, जो कि बहुत सारे दिए गए हैं। आप लोग चेक देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ब्लैक एंड व्हाइट भी दिए गए हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल से डाउनलोड करोगे सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और सिंपल से आप लोग यहाँ पे जब आप लोग मरते हो, या फिर आप लोग अलग प्रकार के यहाँ पे फिल्टर जो है ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल सा भी यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर। तो यहाँ पे हमारा अगला फंक्शन इफेक्ट का है। यहाँ पे आप लोग कमाल के ग्लिच वाले इफेक्ट मिलते हैं, रिदम, यहाँ पे कमाल मतलब अलग ही प्रकार के यहाँ पे इफेक्ट मिलते हैं, जो अगर शायद आप लोगों को कहीं पे मिले। अब यहाँ पे आगे जो टीवी वाले हैं, जो ये इस प्रकार के जो फिल्टर हैं, ये शायद ही आप लोगों को कहीं पे मिलते होंगे। तो यार ये भी आप लोग फिल्टर यहाँ पे यूज कर सकते हो, इफेक्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल से एक इफेक्ट यूज करके दिखाता हूँ, जैसे ये शेक वाला इफेक्ट है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं अपने वीडियोज पे। आप लोग देख सकते हो ये कमाल का यार इफेक्ट है, और ये शायद ही यार इस प्रकार के इफेक्ट और इस प्रकार के फंक्शन कहीं भी मिले। और आप लोगों को यार अभी भी अगर वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप लोग अगर अभी तक देख रहे हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अब यार बढ़ते हैं अपने जो अगला फंक्शन है, वो हमारा एडजस्ट का फंक्शन है। यहाँ से आप लोग इसका जो ब्राइटनेस उसको घटा बढ़ा सकते हो, उसका सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रास्ट जो इसकी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप लोगों को वीडियो में एक कमाल का इफेक्ट देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। हाईलाइट भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हाईलाइट इसको कर सकते हो, यार क्या ही चीज़ें हैं। और यहाँ ब्लर जो भी आप लोग करना चाहो, जिस प्रकार की चीज़ें आप लोग करना चाहो, फेड करना चाहो अगर आप लोग फेड कर सकते हो, टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो, ग्रेन कर सकते हो, और यहाँ पे एम्बिएंस। अब यार ब्लर जो हमारा फंक्शन है, यार ब्लर तो क्या ही चीज़ भाई इसमें ऐड करी गई है। अब यार ब्लर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गेमर्स के लिए, क्योंकि यार जो ब्लर है ये वीडियो एडिटिंग के फील्ड में एक अलग ही चीज़ है भाई, और ये फील्ड ऐसी है ब्लर जो कि गजब की चीज़ है। अब यहाँ पे यार जो यूट्यूबर्स होते हैं, अब वो लोग अगर वीडियो एडिट भी कर लेते हैं इस वीडियो एडिटर के द्वारा, जैसे आप लोग ये वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो, अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो यार आप लोगों को मुझे लगता है कि सारा कुछ जो है चीज़ें पता चल गई होंगी इस वीडियो एडिटर के बारे में, और आप लोग भी एक इस वीडियो एडिटर के ऊपर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन गए होंगे सिर्फ वीडियो को देखने के बाद। हालांकि यार आप लोग इसको यूज करके देखो, इसको आप एक बार डाउनलोड करो, मैं इसका नेम जो है डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, अगर आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। मैं इसका जो नेम है आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस तरह से आप लोग इसकी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। हालांकि मैं आप लोग कट पर करने दिखाया नहीं, आप लोग कट करना भी दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से इतना जो है कट करना है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कट कर देना है। सिंपल से अगर मुझे यहाँ से इतना जो पार्ट है इसको अलग करना है, सिंपल से एक बार दोबारा से मैं इस पर कट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सिंपल से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इतना पार्ट मैं डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे इतना जो पार्ट मैंने डिलीट कर दिया है, अब यहाँ जो ये पार्ट है ये डिलीट हो गया है। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ से कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट ही नेक्स्ट पार्ट पर पहुँच जाता है। तो यार इस तरह जो वीडियो एडिटर होते हैं, जो कि यूट्यूब पर गेमिंग वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो यार गेमिंग फील्ड में कभी जब आप लोग गेम प्ले बनाते हो, तो वहाँ पर होता क्या है कि यार हमेशा ऐसा होता है कि जो आप लोग कभी कभी घूमना पड़ता है आप लोगों को, जहाँ पे आप लोग किल नहीं करते हो, तो वो चीज़ें आप लोगों को सारी हटानी पड़ती हैं, ताकि आप लोग एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सको। तो इस चीज़ वो जो चीज़ें हटानी है उसको आप लोग डिलीट करना आना चाहिए। तो कैसे डिलीट करना है ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। हालांकि यार आप लोग और भी चीज़ें डिलीट कर सकते हो, जैसे मुझे पूरे लास्ट वाला हटाना ही है। उसके बाद जैसे मुझे यहाँ से इतना जो यहाँ से मैंने इफेक्ट दिए हैं, यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँ, उसके बाद इसको मैं कैंसिल करके लास्ट वाला हटाकर हटाना चाहूँ, सिंपल से मैं यहाँ पर एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यार
हेलो दोस्तों, हम लोग आपको स्वागत है। यार ये सारी चीजें जो कि आप लोग इस पे कर सकते हो, इस कमाल के वीडियो एडिटर के बारे में आप लोगों को यार ये वीडियो एडिटर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे थे अपने गेमिंग चैनल पे, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी अपने गेमिंग चैनल को बूस्ट करने के लिए, गेमिंग चैनल पे जो कंटेंट देते हो यार वो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा हेल्प मिली है तो वीडियो को आप लोग भी हेल्प करो, जल्दी से लाइक कर दो। एम करते हैं पूरे इस वीडियो में यार 10 लाइक का, और 10 लाइक यार आप लोग जल्दी से पूरे करा देना, तर मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरी मेहनत भी सफल हो गई और आप लोग भी यार इस वीडियो को देख के आप लोग काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी अगर मैं यहाँ पे 10 लाइक जो है 10 लाइक का जो एम है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग कमेंट में जाना है, बताना मुझे कि इससे पहले आप लोग किस प्रकार के गेमिंग वीडियो एडिटर यूज कर रहे थे, कौन सा वीडियो एडिटर था जो आप लोग यूज कर रहे थे इससे पहले, और अब आप लोग इसको यूज करने वाले हो या फिर नहीं। हालांकि यार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है तो आप लोग डेफिनेटली इसी वीडियो एडिटर को यूज करूँगी। अब यहाँ पे एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने सिंपल से आप लोग एक्सपोर्ट को ऑप्शन लास्ट में दिख रहा है ऊपर, एक्सपोर्ट क्लिक करो, उसके बाद 1080p पे आप लोग कर सकते हो या फिर आप लोग 720 अगर आप लोगों को रखना है, आप लोगों के पास उतना नेट नहीं है तो आप लोग उतना रख सकते हो। यहाँ पे आप लोग नीचे फ्रेम रेट भी दिखा सकते हो, यहाँ पे FPS आप लोग डाउन घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे 30 FPS सिंपल से इसको एक्सपोर्ट करूँगा, सिंपल से एक्सपोर्ट कर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग 60 FPS तक जा सकते हो और यहाँ पे 1080p तक की क्वालिटी आप लोग यहाँ पे ला सकते हो अपनी वीडियो में। तो यार ये कमाल का वीडियो है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो एक्सपोर्टिंग टाइम है वो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लगेगा, बहुत तेज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है वीडियो कोई भी अगर आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहां से इस तरह आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यार आप लोगों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एक बार एक्सपोर्ट हो जाता है फिर मैं आप लोगों को फाइल में जो जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोर्ट सही से हुआ फिर नहीं, आप लोगों को जो क्वालिटी है वो भी आप लोग दिखा देता हूँ वीडियो की। तो उसको दिखाने के लिए मैं सिंपल से चलूँगा अपने गैलरी पे, तो आप फाइल मैनेजर पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे वीडियोज़ पे चलते हैं, और वीडियोज़ चलने के बाद यहाँ सिंपल से ऊपर वाला आप लोग दिखा देता हूँ, यही हमारा मोशन निंजा का आ गया है। तो आप लोग देख सकते हो इस पर किसी भी प्रकार की जो वीडियो क्वालिटी वो आप लोग नहीं गिरी हुई दिखाई देगी, यहाँ पे सारे सारे जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम की सेम है। इस तरह आप लोग वीडियो एडिट कर सकते हो और एक अपना जो कमाल का वीडियो कंटेंट है वो आप लोग बना सकते हो, और गेमिंग की फील्ड में यार आप लोग भी अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। और अगर आप लोग यार ग्रो करने में आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो जल्दी से लाइक कर देना यार, एम तो लाइक बटन बता दिए थे कि 10 लाइक का एम है, तो आप लोग पूरे करा देना है। मिलते अगली वीडियो में।